ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ हजरत मूसा अलैहि सलाम दी आई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जबरील अर्ज की रब्बे जलील हुक्म होवे फरमाया सा मूसा नु किताब देनी है जल्दी कर मूसा नु करो कड इन तूर ते लैके आ किताबे तौरात अता करनी है अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हुक्म दे तहत जबरील अमीन ने मूसा नु करो कढ़िया तूर ते लैके गए कोहे तूर ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ठप्पी ठपाई छप्पी छपाई किताबे तौरात अता की जदो हजरत दाऊद अलैहि सलाम दी वारी आई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जबरील अर्ज की रब्बे जलील हुक्म होवे फरमाया दाऊद नु जरा करो कड मकामे जंजाबील ते लेके आ असा इनु किताबे ज़बूर अता करनी है हजरत जबरील अमीन ने हजरत दाऊद अलैहि सलाम नु करो कढ़िया मकामे जंजाबील ते हजरत दाऊद अलैहि सलाम चल के गए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ठप्पी ठपाई छप्पी छपाई किताबे ज़बूर अता कीती जदों वारी ईसा दी आई अल्लाह ने फरमाया जबरील ईसा नूं वी करो कड इहनूं पहाड़ियां वल लैके जा असां इहनूं किताब अता करनी है हजरत ईसा करो निकले चलदे चलदे आप पहाड़ियां ते पहुंच गए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ठप्पी ठपाई छप्पी छपाई किताबे अंजील अता कीती जदों वारी हुसैन दे नाना दी आ गई जदों वारी ज़हरा दे बाबा दी आ गई जदो वारी सारे नबिया दे इमाम दी आ गई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जबरील अर्ज की रब्बे जलील हुक्म होवे फरमाया इत्थे इंज नहीं जाना या अल्लाह इत्थे किंज जाना है फरमाया इत्थे ते त्रई साल लगने ने अर्ज की या अल्लाह मूसा दी वारी इन्नी देर नहीं लगी दाऊद दी वारी इन्नी देर नहीं लगी ईसा दी वारी इन्नी देर नहीं लगी इत्थे त्रई साल क्यों लगने ने अल्लाह ने फरमाया जबरील मूसा दी वारी मैं अपनी मर्जी वरती है दाऊद दी वारी मैं अपनी मर्जी वरती है ईसा दी वारी मैं अपनी मर्जी वरती है इत्थे त्रई साल ता लगने ने कुछ मेरी मर्जी कुछ हुसैन दे ने दी मर्जी अल्लाह अकबर कबीरा कुछ मेरी मर्जी कुछ जहरा दे बाबे दी मर्जी फरमाया इत्थे त्रई साल लगने ने जे मेरे आका यारा विच ने ते कुरान उत्थे नाजल हो रहा है जे मेरे आका पहाड़ा दे विच ने ते कुरान उत्थे नाजल हो रहा है जे मेरे नबी बाजारा दे विच ने ते कुरान उत्थे नाजल हो रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जबरील बाकी नबिया नु करो कड ते असा इन्हां नु किताबां देनियां ने ते अर्ज की या अल्लाह मैं मूसा नु कोहे तूर उते लैके गया मैं दाऊद नु मकामे जंजबील उते लैके गया या अल्लाह ईसा नु पहाड़ियां ते लैके गया ए नबी करो निकले ते किताबां लैके आए ते हुण हुसैन दे नाने नु किथे लैके जाणा है ते कुराने मजीद नाजल फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जबरील बाकी नबिया की शान हो रे आमीना दे लाल दा मकाम हो रे बाकी नबी घरों निकले ते किताबा लेके आए ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जबरील गौर नाल सुन ले बाकी नबी ते करो निकले ते किताबा लेके आए मेरे यार दी शान ही वखरी ये एदा मकाम ही वखरा है
एदी जात ही वखरी है, एदा नाम ही वखरा है। अर्ज की या अल्लाह इनू कित्थे लैके जाना है? अल्लाह ने फरमाया जबरील मेरे नबी नू कित्थे लैके जाना नहीं, इनू करो नहीं कढ़ना, बल्कि जिधर जिधर मेरा नबी जाएगा साड़ी किताब एदे पिछे पिछे जाएगी। मेरे आला हजरत इश्क जोश विच आ गया, आफरमंद ने सबसे ओला ओला हमारा नबी सबसे बाला ओला हमारा नबी दोनों आलम का दोला हमारा नबी दोनों आलम का दोला हमारा नबी सबसे ओला ओ आला। अल्लाहु अकबर कबीरा। फलक से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तूने देखा जुलेखा हमारा नबी। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ओ अजमत वाला महीना है, ओ शान वाला महीना है, जिस महीने तुहाडे ते मेरे करीम अकाली सलातो सलाम दे उत्ते कुरान नु मुकम्मल फरमाया है। बाकी नबियां ते अल्लाह ने ठप्पियां ठपाइया, छपियां छुपाइयां किताबां दित्तियां, कोई देर नहीं लगी तुहाडे ते मेरे नबी दी वारी आई, ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जबरील इत्थे 23 साल लगने ने, कुछ मेरी मर्जी, कुछ आमीना दे लाल दी मर्जी, जेड़ियां सूरतां मक्के दे विच नाजल करांगा उन्हां नू मैं मक्की आखांगा, ते जेड़ियां मदीने दे विच नाजल करांगा उन्हां नू मदनी आखांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, रोज़े असर रखे, नमाज़ां दी पाबंदी कीती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाद विच भी इस तरह सानू नमाज दी पाबंदी करन दी तौफीक अता फरमाए। कसरत नाल रमज़ानुल मुबारक दे विच कुरान मजीद दी तिलावत होंदी है, अल्लाह रमज़ान तो बाद विच भी इस तरह सानू कुरान मजीद की तिलावत करन दी तौफीक अता फरमाए। और दुआ जिहड़ी असा करनी है इस रात नू, जिहड़ी रात आ रही है, जिहदे बारे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, फरमाया तुसी की जानो ये रात कदर वाली है, पर तुसी की जानो कि इहदी कदर की है। फरमाया एक हज़ार महीने की ये इबादत नालों बेहतर है। बोलो एक हज़ार महीने की इबादत नालों ये बेहतर है। हज़रात मोहतरम क्यों बेहतर है? इस वास्ते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुहाडे ते मेरे करीम अकाली सलातो सलाम दे उत्ते इस रात नू कुरान नू मुकम्मल फरमाया है, कुरान नू मुकम्मल फरमाया है। इनू नुज़ूले कुरान की रात भी आख्या जाता है। इस वास्ते लोग इतकाफ करते हैं ताकि सुनते मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम भी है, मेरे नबी इतकाफ करते सन तो फरमाते सन कि लैलतुल कदर नू तलाश करो ताक रातां दे विच, क्योंकि ये रात होवे अजमत वाली तो शान वाली जिहड़ी आने वाली है, वह रात है कि जिस रात नू तुहाडे ते मेरे करीम अकाली सलातो सलाम के उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद नू मुकम्मल फरमाया। तो उलमा फरमाते ने इस रात नू बस इको ही दुआ करनी है कि या अल्लाह असा इबादत भी कीतियां, या अल्लाह तेरी मन के रोज़े भी असा रखे, कुरान मजीद की तिलावत भी की, तो मौला हुण साढ़े दिल विच मुहब्बत मुस्तफा नू पैदा फरमा। जे दिल विच मुहब्बत मुस्तफा नहीं तो फिर रोज़े रखन का भी फायदा कोई नहीं, फिर नमाज़ा पढ़न का भी फायदा कोई नहीं। कुरान तो असी पढ़ने पहलू कुरान वाले की मुहब्बत दिल विच होनी चाहिए, सरकार की मुहब्बत दिल विच होवे ते बंदा फिर किसी कोने ते भी बैठा होवे वैसे करनी करन दे टब्बियां दे विच मेरे अकाले सलातो सलाम नू बैठ के ते याद करदे ने मेरे नबी, नमाजी असर पढ़ के ते मशरक वल मूँह करके ते सरकार सामने बीड़े बटन खोल देते ने, साबरस करते ने सोनिया इधर की गे, मेरे नबी ने फरमाया इधर मेरा एक गुलाम है मेरा आशा के। अल्लाह अकबर कबीरा, जड़ा मेरी याद विच रोंदा रहिंदा है। हज़रात एक एक निशानी मेरे नबी ने हज़रत वैसे करनी दी गिन के दसी, फरमाया उहदे दिन रोज़े दी हालत विच गुजरदे ने,
ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਮਦੀਨੇ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਇਬਾਲਿਆ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵਲ ਲੈਲ ਜ਼ੁਲੇਫਾ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਜਾਵਲ ਜ਼ੁਲੇਫਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਆ ਵੀ ਜਾਵਲ ਜ਼ੁਲੇਫਾ, ਆਮੀਆਵੀ ਨਾ ਚਿਰਲਾਵੀ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਏ ਚੈਨ ਦਿਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਰੀ, ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲੇਫਾ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਕਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਧਨਾ ਮਕਾਮ 'ਤੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਲੋਗੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਦਕਾ ਖਿਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਸੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਬਾਨ ਓਏ ਰੋਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਡੁੱਬ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਈਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਰਮ ਲਵਜਹੁਲ ਕਰੀਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਅਤੇ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅਗਰ ਕਰਾਮਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
तो यारहवीं वाले दे कोई करामत बयान नहीं रज के कर सकता जिन्हिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत फरमाइया ने। ते अगर पुत्र दी ये शान है तो फिर बाबा अली का की मकाम होएगा। अल्लाह ने किनिया को शाना ते मकाम अता फरमाए होंगे, किनिया को करामत अता फरमाइया होनगियाँ। अली अल मुर्तजा करम लवजह अल करीम आप फरमाते ने कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा सरकार दी उम्मत नू जहन्नम दे विच भेजन दा इरादा हुंदा ते अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी पाक दी उम्मत नू रमज़ान दा महीना कदी ना अता फरमांदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमज़ान अल मुबारक दा ए महीना अता फरमाया है ते मेरा रब ये दसना चाहता है कि बाकी बनी इसराइल वाले नबियां दी उम्मतां उन्हां दी बड़ी बड़ी उम्र होंदी सी, उन्हां उम्मतां दी बड़ी बड़ी उम्र होंदी सी लेकिन इन्हां दीआं ते उम्रां भी बड़ियां छोटियां छोटियां ने, थोड़ियां जिन्नियां इन्हां दीआं उम्रां ने। ते रब ये चाहता है कि वह सवाब दे नाल ज़्यादा सबकत हासिल ना कर जान, वह ज़्यादा सवाब ना लै जान मेरे यार दी उम्मत दे नाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान वाला महीना अता फरमाया, ये रात अजमत वाली अता फरमाइया कि मेरा रब ये दसना चाहता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाना चाहता है और नबी की उम्मत नू ते लोकां नू दसना चाहता है कि लोगो असा यार नू ए शान वाला महीना ये अजमत वाली रात अता फरमाइया ने, इस महीने दे विच रोज़े रखणगे और इस रात नू जिहड़ी लैलतुल कदर वाली रात है जड़ी अजमत वाली शान वाली रात है इस रात को इबादत करेंगे। अल्लाह फरमाता है इन्ना अनज़लना हु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, फरमाया एक कदर वाली रात है तो तुसी की जानो एदी कदर की है। मेरा रब आप फरमाता है ये रात एक हज़ार महीने की इबादत नालों बेहतर है, एक हज़ार महीने की बोलो इबादत नालों बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम क्यों बेहतर है? इस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहाडे ते मेरे करीम आका ते कुरान नो मुकम्मल फरमाया है, ये नज़ूले कुरान दी रात है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा कुरान मजीद सब तो वड्डा मौजज़ा है। बोलो सब तो वड्डा मौजज़ा सरकार दा केड़ा है? कुरान मजीद केड़ा है? वैसे तो मेरे नबी की विलादत मौजज़ा, मेरे नबी का बचपन मौजज़ा, मेरे नबी की जवानी मौजज़ा, मेरे नबी का बुढ़ापा मौजज़ा, मेरे नबी की उंगलियों से चाँद का दो टुकड़े करना मौजज़ा, अली अल मुर्तज़ा के लिए सूरज उल्टाना मौजज़ा, उंगलियों से पानी के चश्मे निकालना मौजज़ा, मेरे नबी पे दरख्तों का दुरूद व सलाम पढ़ना मौजज़ा, अम्मा आशाह से निकाह करना मौजज़ा, सदीक़ी अकबर को मसल्ले पे ठहराना मौजज़ा, अली अल मुर्तज़ा को बिस्तर पे लटाना मौजज़ा, हसन हुसैन को कंधों पे उठाना मौजज़ा और मिलके कह दे कि हमारे आका का ऊपर रहना मौजज़ा और नीचे आना मौजज़ा। अख तेरी दीद लई कमली ते चली ये, अख तेरी दीद लई कमली ते चली ये, अख तेरी दीद लई कमली ते चली ये, छेती ना लिया जा मेरी जिंद मुक चलिए, छेती ना लिया जा मेरी जिंद मुक चलिए, हुन छेती ना लिया जा। हजरात आ वेख्या जे मेरे आका किवें आउंदे ने, लज पालियां फरमांदे ने, मेरे आका दा एक गुलाम है सारी रात भी रोंदा है सारा दिन भी रोंदा है, दिल विच मेरे आका दी मुहब्बत है, आका दी दीद नहीं कीती, आका दा दीदार नहीं कीता, मेरे आका दा चेहरा नहीं वेख्या, एडा हुसीन चेहरा है। हजरात वदोहा चेहरा वलैल जुल्फ वदोहा चेहरा ए वलैल जुल्फ माज़ाक दा कजला पाया ए, सारे वेख के
एहोई आख देने सारे वेख के एहोई आख देने वाह वाह रब ने यार सजाया ए। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दा एक गुलाम है, सारी रात भी रोंदा रहिंदा है, सारा दिन भी रोंदा रहिंदा है, आंदा सोनिया कदों दीद हो जाए, सोनिया तुहाडी दीद हो जाए, गुलामा दी ईद हो जाए। हजरात सहाबा तड़पदे ने, मेरे आका दा चेहरा नजर आ जांदा है, सीने ठंड पै जांदी है, ते आंदे कीने वेख के तेरी सोनी सोनी है जबीन कमली वाले आ, तेरी सोनी सोनी है जबीन कमली वाले आ, ए कोई भी नहीं तेरे जिया हुसीन कमली वाले आ। अल्लाह अकबर कबीरा। ए गुलाम सारा दिन भी रोंदा है ते सारी रात भी रोंदा है, हजरात तड़प है बड़ी आका करीम अलैहि सलातो सलाम दी। आरफे खड़ी दी कलम उठी ते बड़ा सोहना जिहा रंग पेश किया। मेरा दिल करदा इहदा तर्जमा पीर हजरत मुहम्मद बख्श रहमतुल्ला अलैह दे कोलों करवा के लियाइए, जिन्हें जिन्हें मियाँ मुहम्मद बख्श की बारगाह जाना उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मियाँ साफरमंद ने पहली पौड़ी ए पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पल सराती है तेरा लोक हज मके नो जान दे ते मैं वेखा मुख ते जो किसे दा ओए आशक होवे गलियो से दी इकरदा ओए सौ सौ मकर बहाने करके ओ दे मरने मरदा। अल्लाहु अकबर कबीरो। हजरत मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इस तरह ते शाना अता फरमा छड़ियाँ कि किसी होर नबी नू इनियाँ शाना अता फरमाइयाँ नहीं। हजरत मोहतरम ये आशक रात भी रोंदा है ते दिन भी रोंदा है ते सोचदा की ये बस यही सोचदा है कि वह कदों दिन आवे वह कदों रात आवे कि सोने की दीद हो जाए। तड़पद आका करीम अलैहि सलातो सलाम की मुहब्बत दे विच तड़पदा है सोने की याद दे विच ते आरफे खड़ी फरमान ने रात पवे ते ओ बेदर्दानो सुख दीनी दरियावे ओ दर्द मंदानो याद माही दी सुतियां आन जगावे। हजरात आ वेख्या जे मेरे आका दी मुहब्बत ने किवें जगाया। मेरे आका मक्के आ गए इधर गुलाम दे दिल विच हो कुठी ए भी मक्के आ गया। मक्के आ के आंदा की ए नाले बैतुल्लाह दा तवाफ करदा ए नाले आंदा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरे आका पीछे आ गए मेरे नबी पीछे आ गए। वो गुलाम की आंदा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ते सरकार भी पिछों बोल के आंदे ने अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जिन्नी बारी वह गुलाम आखद अल्लाहुम्मा लब्बैक उन्नी बारी मेरे नबी फरमाते ने अल्लाहुम्मा लब्बैक। वह गुलाम उत्थे ही रुक के ते अर्ज करदा है वेखां तां सही पिछे कौन है जड़ा मेरी पे नकल उतारदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुदा दी इज्जत दी कसम है ये दुआ करनी है बस ये रात जड़ी आ लैलतुल कदर दी रात ये दुआ करनी है कि मौला इबादतां भी कीतियां रोजे भी रखे ते मौला जिनी हो सकी कुरान मजीद दी असा तिलावत भी की है। इको ही अर्जी है सोने की मुहब्बत अता फरमा। ये गुलाम नू मुहब्बत सी ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पहले आप आए
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਏ ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਕਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਬਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਂਝ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁਫਸਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਸਰ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਫਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਫਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਸਰ ਹੈ। ਮੁਫਸਰ ਬਣਿਆ ਕਿੰਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿੰਜੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਸੋਹਣਾ ਇਬਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਜ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿੰਝ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਆਫਲਾ ਆਬਾਦਨ ਸ਼ਕੂਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ।